तो हम लोग आ चुके हैं मार्केट की तरफ सुबह सुबह। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और हम लोग हैं अभी बनारस और सुबह सुबह जा रहे हैं गंगा घाट घूमने। ये देखो यहाँ पे इतनी तगड़ी भीड़ है भाई, बहुत तगड़ी भीड़ है, पीछे से ही भीड़ आ रही है। सुबह सुबह सब लोग घाट पे जा रहे हैं और स्नान करने, तो हम लोग पहले देखने जा रहे हैं, उसके बाद स्नान करने जाएंगे। तो चलते हैं देखने। पहले रास्ते में हमें ये दिखी है प्यारी प्यारी गुड़ियाँ, और ये वो है गिलास, चाय वाले गिलास लगे हैं। यहाँ देखो गाइस, दातुन भी मिल रहे हैं मंजन करने के लिए। ये देखिए कितने बड़े बड़े होटल्स हैं और धर्मशाला इतने प्यारे बने हुए हैं। बहुत गाइस, हम लोग आए हैं अभी गंगा घाट पर। ये देखो यहाँ पे भाई क्राउड देखो, यहाँ पे ऊपर की तरफ देखो कितना ज़्यादा रश है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश। यहाँ पे ये देखो अंग्रेज भी आई हैं, दिख रहा है ना इतना। हम लोग जा रहे हैं अभी अपने कपड़े वगैरह लेने, क्योंकि हम लोग लेके नहीं आए थे पहले कपड़े लेके नहीं आए थे, पता नहीं था, मतलब देखने आए थे कि यहाँ पे स्नान वगैरह हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग जाकर अब देखेंगे। अरे भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो देखेंगे चलते हैं और आके कपड़े वगैरह लाकर फिर हम लोग भी यहाँ पे नहा धोकर जाएंगे। चलो हर हर महादेव खाए के पान बनारस वाला, ओ खाए के पान बनारस वाला, फिर तो ऐसा करे धमाल सीधी। हम लोग अभी देख रहे हैं कपड़े, कुर्ती और टॉप वगैरह हैं यहाँ पे। लोग गंगा में नहा धो के आ चुके हैं और जा रहे हैं, बाकी के लोग हैं, बाकी के लोग हैं वो भी आ गए हैं सब लोग। और यहाँ पे बैठे हैं, दीपक जलाने आ रही है बुआ, परेशान हो गई हमारी बुआ ज़्यादा है। बुआ हंस तो रही है, बस परेशान ज़्यादा है, पैरों में दर्द हो रहा है। हम लोगों ने शॉपिंग कर ली, यहाँ से कपड़े लिए थे, अब काशी के कपड़े भी भाई लेने चाहिए। हम लोग यहाँ पे आए हैं तो, और आरती हो रही है मंदिर पर। अब हमारा निकलने का टाइम है, वो आ चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं। चलो अब जाने का टाइम है, वो हमारा आ गया है। ये देखो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने शॉपिंग है वो कर ली है, कपड़े वगैरह लिए बच्चों के, अपने और भी हैं काफ़ी, बुआ ने लिए अपने नाती के लिए, नाती के लिए हमारी बुआ ने नाती के लिए कपड़े लिए, छोटा है अभी हुआ है। हम लोग अभी आ गए हैं, जूती देखिए छोटी है, अच्छी तो लग रही है ना। इधर है पूरी मार्केट है कुर्ती की, ये वाली मार्केट कुर्ती की है, ये देखिए आपको इधर कुर्तियाँ है। क्या हुआ, देखो मार्केट आधी बंद है और आधी मार्केट है वो खुल चुकी है, तो हम लोग देख रहे हैं जो खुली है उस पर। हम लोग यहाँ से ले रहे हैं प्रसाद वगैरह। लोगों ने बैग ले लिए, हम लोगों ने लिए 5 बैग, तो अब चलते हैं अपने रूम की तरफ। अभी बनी है हमारी यहाँ पर चाय, हम लोग अब रूम खाली कर रहे हैं अपना, अब चलते हैं। कुछ सामान तो नहीं है, देख मैं, कुछ सामान नहीं है, बैग ले लें अपना, चलो अब चलते हैं। हर हर महादेव, एक बैग रह गया। ये है बनारसी साड़ी, यहाँ पे मिल रही है, ये देखो गाइस हम लोग जिस होटल में रुके हैं ना उधर ही मिल रही हैं। हम लोगों ने अपना रूम है वो खाली कर दिया है, हम लोग जा रहे हैं अब काल भैरव मंदिर, वो है यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर, तो हम लोग पैदल ही जाएंगे यहाँ से, और भीड़ बहुत ज़्यादा है, ऑटो वाले 20 रुपये ले रहे हैं, तो पैदल जाएंगे क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं, तो चलते हैं। पहले यहाँ से साड़ियाँ वगैरह है, देख रही हैं सिस्टर,
फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे काल भैरव। फिर देखते हैं यहाँ वहाँ से कहाँ जाना है, क्योंकि 6:15 पर हमारी ट्रेन है, तो हमें टाइम से स्टेशन भी पहुँचना है। क्या हुआ, हम लोग आ गए अब दूसरी शॉप पर। यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे है सारी कुर्तियाँ, काफ़ी दुकान है यहाँ पे। वहाँ पर आपको कुर्ती सबसे ज़्यादा है और बनारसी साड़ी सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो हम लोग यहाँ पे कुर्ती देख रहे हैं, एक दो पीस अच्छा मिल जाए। अब हम लोग जा रहे हैं काल भैरव मंदिर, तो सब लोग दर्शन करके आ रहे हैं। ये काशी वाले हैं, मंदिर मंदिर से आ रहे हैं, महादेव का मंदिर दर्शन करके। इधर ही होके हम लोग काल भैरव, इधर से ही हम लोग काल भैरव के लिए जाएंगे और इधर से ही हम लोग जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के पास। हैं चलो, रात को भी शॉप लगी थी, अभी भी अभी बट कम खुली हुई है, क्योंकि सुबह का टाइम है ना, 10 बज रहे हैं अभी, तो शॉप अभी कम ओपन हुई है। ये देखिए बनारसी साड़ियाँ, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली है, मतलब बहुत ज़्यादा इतनी हम लोग सोचते भी नहीं थे इतनी ज़्यादा शॉपिंग करी है। आज हम दुआ को भी थोड़ी सी करा दी है, ले ले इसे ना कुछ बोल ले लें, और सब लोगों ने की थोड़ी थोड़ी बट हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही कर दी है। तो अब चलते हैं मंदिर के दर्शन करेंगे पहले। देखिए हम लोग नाइट में दर्शन कर गए थे, वो अच्छा है। अब यहाँ से इतनी लंबी लाइन लग गई है काशी मंदिर के लिए, शिव जी के मंदिर के लिए, यहाँ से लंबी बहुत लाइन लगी हुई है बहुत दूर तक। ये देखो कभी भी आप काशी आए शिव जी के दर्शन करने, तो दुकान वाले काफ़ी लोग आपका लॉकर में मतलब बोलते हैं कि फ्री में रखने के देंगे, कुछ लोग पैसों से जो चप्पल है आपका सामान है वो रखते हैं, बट आप कहीं ना रखें अंदर मंदिर के अंदर आपका चप्पल वाला ऑप्शन है वो फ्री में रखते हैं। आपके फ़ोन है, आपका बैग है लॉकर में फ्री में रखते हैं, तो आप अंदर ही जमा करवाएं। और ये देखिए, ये है मणिकर्णिका का द्वार, ये है गली घाट वाली, यहाँ से हम लोग जाएंगे और देखते हैं भाई। तो जाने का रास्ता है इधर से, हम लोग इधर जाएंगे। चलो, लंबा है बहुत लंबा, यहाँ से वहाँ गली टेढ़ी मेढ़ी गली है, इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। ये पता नहीं मेरे पिंपल निकल आया है, यहाँ पे पिंपल निकल आया है। आओ, गली टेढ़ी मेढ़ी। हम लोग जाने वाले थे वैसे काल भैरव मंदिर के लिए, बट रास्ते में हम लोगों ने देखा वहीं पर थोड़ी दूरी पर मणिकर्णिका का घाट है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर जाएं। ये घाट बनारस का सबसे पुराना घाट है और यहाँ की गलियाँ इतनी पतली पतली हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर जो आग है वो कभी भी ठंडी नहीं होती है और हमेशा जलती रहती है। ओम नमः शिवाय, यहाँ से स्टार्ट होता है घाट के लिए जाना। हाँ जी, इधर हम लोग जाएंगे। हाँ, हम लोग आ चुके हैं, ये रास्ता जाता है काल भैरव के लिए। हम लोग मणिकर्णिका घाट से घूमते हुए जा रहे हैं काल भैरव के लिए। हम लोग जा रहे हैं काल भैरव मंदिर और इतना चलते चलते आगे आ चुके हैं, बट बहुत दूर है। कुछ लोग कह रहे थे 1 किलोमीटर पर, कुछ लोग कह रहे थे कि 500 मीटर है, और कुछ लोग 1 किलोमीटर, बट यहाँ तो बहुत लंबा लग रहा है क्योंकि थक चुके हैं ऊपर से तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बट कोई नहीं, चलते हैं भैरव जी के भी दर्शन करेंगे फिर आगे घूमेंगे। हम लोग आ चुके हैं काल भैरव मंदिर के नज़दीक। यहाँ पर कुछ गीला कैसे है, पता नहीं, भीड़ की वजह से गीला हो गया होगा। बगल में शॉप है ना, पानी वो कर रहे हैं, तो चलते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर मूर्ति, ये है हाथी मेरे शिव जी, ये राधा कृष्ण। हम लोग गए थे काल भैरव मंदिर, तो वो बंद है मंदिर और वो खुलेगा 3 बजे, तो भैया ने बताया कि पास में एक मंदिर है वहाँ पे एक कुआ है धन्वंतरी कुआ शायद, तो वहाँ उस कुएँ का पानी पिया जाता है, लोग दूर दूर से, ऐसा कहा जाता है कि लोग दूर दूर से वहाँ पे पानी पीने आते हैं। हम लोग भी जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ पे जाके कि कुआ है कि नहीं, मतलब कुछ में कुआ है।
baby calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for love.